बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो करते हैं कि आप लोग खैरियत होंगे। आज हमने केमिस्ट्री का जो हमने काम करना है हमारे पास है लेक्चर नंबर 26 है और चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट आज करना है। और पहला इसका क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, जो एटम्स होते हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, आज इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहली बात हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड, जो एटम होते हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। तो पहली बात हमें सबसे पहले ये बताना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है। अगर हम केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं तो कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर वो फोर्सेस जो उस मॉलिक्यूल के अंदर या कंपाउंड के अंदर एटम्स को आपस में जकड़ के रखती हैं, यानी जो आपस में एटम्स को इकट्ठा रखती हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। यानी अगर हम केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन करना चाहते हैं, हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड क्या, तो हम कहते हैं द फोर्सेस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। हम कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स एटम्स को आपस में इकट्ठा रखती है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा केमिकल बॉन्ड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स That hold them together in a molecule, यानी एटम्स को इकट्ठा रखना, वो फोर्सेज जो एटम को अट्रैक्ट करती हैं, इकट्ठा रखती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, द मेन क्वेश्चन इज दैट वाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, जो एटम्स होते हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। अच्छा, पहली बात अगर हम इसी चीज को एक्सप्लेन अगर करना चाहूँ तो हम इस बात को इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि हर चीज चाहती है दुनिया में, हर चीज चाहती है कि वो स्टेबल हो जाए, यानी वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो, ज्यादा से ज्यादा मुस्तकम हो, अपने पांव पे खुद खड़ी हो। तो इसी वजह से एटम्स भी क्या करते हैं, उनका भी ये उनकी ख्वाहिश होती है कि वो भी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, यानी किसी के ऊपर उनका जो इन्हसार है वो जो है वो क्या कर दें, कितना कर दें, यानी वो क्या करें कि वो इन्हसार किसी के ऊपर ना करें। तो इसी वजह से इसी इन्हसार को खत्म करने के लिए वो क्या करते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं। यानी दूसरे वर्ड में आपको हो गए टू अचीव स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए, टू अचीव स्टेबिलिटी। यानी मेन अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाई एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, जो एटम्स होते हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, उसकी मेन रीजन भी क्या है, वो हमारे पास है टू अचीव स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं। अच्छा भाई, रिएक्ट करते हैं तो इसका क्या मतलब, वो रिएक्ट करके कैसे स्टेबिलिटी हासिल करते हैं। अब मजीद इसमें दो चीजें आ जाती हैं आपके पास, हमारे पास दो रूल्स होते हैं इसके, एक हमारे पास होता है डुप्लेट रूल और एक हमारे पास होता है ऑक्टेट रूल। अब एक हमारे पास होता है डुप्लेट रूल और एक होता है हमारे पास ऑक्टेट रूल। अब डुप्लेट जो है, डुप्लेट का मतलब होता है टू। अब हम कहते हैं कि वो एटम्स जो अपने आदिशा में अगर वो दो इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेते हैं तो वो स्टेबिलिटी हासिल कर लेते हैं। ये हमारे पास दो रूल यहां पर आते हैं, एक हमारे पास होता है डुप्लेट रूल और एक होता है ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल होता है टेनिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, अटेनिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन, कहां पर टू इलेक्ट्रॉन अटेन करने, इन इट्स वैलेंस शेल, वैलेंस आर आउटर मोशन। चलिए, हमारे पास आ गया ना डुप्लेट रूल, हमने क्या पढ़ाने का कि हमारे पास डुप्लेट रूल क्या होता है, अटेनिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस या आउटर शेल, आउटर मोशन, अपने आदिशेल में दो इलेक्ट्रॉन्स को वो गेन करना, वो हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास डुप्लेट रूल कहलाता है। लेकिन ये जो रूल है ये सिर्फ फॉलो करता है हाइड्रोजन को, हीलियम वगैरह को, यानी आस पास, क्योंकि जिनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो इसके पास पास है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो डुप्लेट रूल है ये ज्यादा जो है वो एप्लीकेबल है हाइड्रोजन पे और साथ में हीलियम के ऊपर, यानी हाइड्रोजन पे और हीलियम के ऊपर ये एप्लीकेबल है ये वाला डुप्लेट रूल। ये कहता है कि अगर कोई जो है वो एटम आदि शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स
अपने गेन कर लेता है तो वो जो वो स्टेबल हो जाता है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एप्लीकेबल है हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए। अच्छा अगर मैं बात करता हूँ ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऑक्टेट एट से निकला हुआ है, ऑक्टा से एट, तो हम इसे कहते हैं अटेनिंग ऑफ एट इलेक्ट्रॉन, अटेनिंग ऑफ एट इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोशन। यानी आधी शेल में आठ इलेक्ट्रॉन को पूरा करना ऑक्टेट रूल कहलाता है। अब सारे एलिमेंट चाहते हैं कि वो आधी शेल में आठ इलेक्ट्रॉन पूरा करें, क्योंकि अगर जिसके पास आधी शेल में आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर आप बात करते हैं कि एटम जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, वो स्टेबिलिटी के लिए, वो स्टेबिलिटी अचीव करना चाहते हैं। और स्टेबिलिटी को कैसे अचीव करेंगे, ये डुप्लेट रूल को फॉलो करके और साथ में ऑक्टेट रूल को फॉलो करके, यानी ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल को फॉलो करके वो क्या कर सकते हैं, वो जो स्टेबिलिटी जो है उसको अचीव कर सकते हैं। तो इसी तरह जो एटम्स होते हैं वो दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, अपने आधी शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं, और ये जो उनकी शेयरिंग होती है ना, फॉर एग्जाम्पल ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल जो है वो अगर ओबे कर रहे हैं तो ये कैसे ओबे करते हैं, ये इनके पास भी रीजन होती है, या कोई एलिमेंट अपना आधी शेल में से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। आउटर रूल कैसे जो होता है वो अचीव किया जा सकता है बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या बाय शेयरिंग। ये दो कार होते हैं, तीन कार होते हैं। अगर किसी चीज ने अगर ऑक्टेट रूल कंप्लीट करना है तो वो तीन गिफ्ट होना कर सकती है, या वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती है अपने एडिशन में। फॉर एग्जांपल हमारे पास सोडियम है Na, इसके पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आठ, तीसरे में एक है, तो ये क्या करती है एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है और इसके बाद बाकी 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। अब पहले में दो, दूसरे में आठ, आधी शेल में आठ इलेक्ट्रॉन हो गए, इसने क्या किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके या वो ऑक्टेट रूल जो है उसको बे किया। इस तरह अगर हम गेनिंग की बात करते हैं तो हमारे पास फ्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं, फ्लोरीन के पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, वो एक इलेक्ट्रॉन को क्या करती है एक्सेप्ट करती है, और ये फ्लोराइड है, इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन थे, अब यहाँ पे 10 हो गए। अब ये देखें भाई, अब इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे और दूसरे में पहले इसके पास थे 7 इलेक्ट्रॉन, अब इसने गेन किया, इसके पास भी आधी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो इसका मतलब इसने जो ऑक्टेट रूल को फॉलो किया कैसे, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह जो कार्बन है वो क्या करता है, वो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, तो इस तरह वो अपना ऑक्टेट जो कंप्लीट करता है, क्योंकि कार्बन जो होता है उसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है 4, यानी उसके आधी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है दूसरे के साथ और क्या करता है वहां पे ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो ये हमारे पास मेन क्वेश्चन था कि एटम जो है वो रिएक्ट क्यों करते हैं, तो एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं, चीफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, केमिकल बॉन्ड बनाते हैं और ये रूल्स को फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं स्टेबिलिटी को गेन करते हैं डुप्लेट रूल को और ऑक्टेट रूल को। ये मेरे पास छोटा सा टॉपिक था जो हमने आज किया, मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।